सोलन में जहां जिला प्रशासन गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। विभिन्न वार्डों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राशन वितरित किए गए, जिसमें बहुत से जरूरतमंदों ने राशन प्राप्त किया और गरीब व असहायों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। सोलन में ये राशन खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में वितरित किए गए। गुलेरिया ने बताया कि जहां कम वहां हम का नारा देकर गरीब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जो दिहाड़ीदार हैं और उनको घर में ही राशन की भारी कमी है, ऐसे जरूरतमंदों को मोदी किट वितरित की जा रही है। इस किट में 5 लोगों का राशन है जो कई दिनों तक चलेगा। इस वितरण का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जिनके घरों में राशन नहीं है और ना ही उनके पास राशन खरीदने के लिए पैसा है। ऐसे कुछ लोगों को वार्ड के पार्षदों द्वारा चुना गया था जिनकी सहायता की गई। कि चीनी वायरस ने जो आतंक मचाया है उसमें सभी लोग उससे त्रस्त हैं, लेकिन ऐसा तबका जो प्रतिदिन कमा के शाम को उसका भोजन पकता था वो ज़्यादा विकट स्थिति में है, इसलिए जहाँ कम वहाँ हम, और कोई भी परिवार, कोई भी मेरे देश का सदस्य भूखा ना सोए, इस परिकल्पना को लेके, इस लक्ष्य उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर वार्ड नंबर 2, 3, 5, 6, 13 और 14 इन वार्डों के 25 लोगों को यहाँ पर ऐसे परिवार जो कि नीडी हैं, जिनके पास घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, उनको मिलकर यहाँ वार्ड नंबर 2, 3, 6, 12, 8, 14 और 15 के काउंसलरों के द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री वितरित की गई है, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और खाने पीने का सारा सामान, इसमें लगभग ये 1300-1400 रुपये का किट बनता है, इसका वितरण किया गया। और मेरे देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इस परिकल्पना को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर 25 परिवारों को इस राशन का जो मोदी किट के नाम से हम इसको कह रहे हैं, इसका वितरण यहाँ पे किया गया।